हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि व्यापम में हमारे किस तरीके से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उन्हें आंसर देना है और सॉल्व करना है, याद करना है। ठीक है, तो व्यापम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से मैं डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और उसमें से कहीं ना कहीं 10 या 5 नंबर के आपको कंप्यूटर में आएगा ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई है? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत फोर्थ जनरेशन से हुई है, चतुर्थ, जिसको हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ पीढ़ी। तो फोर्थ जनरेशन से माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। ट्रैक बॉल तथा बारकोड रीडर है, क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? तो ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो मोजाइक। कौन सा है? मोजाइक। अब हमारा सिक्स क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रिसाइकल बिन मतलब जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो और उसको डिलीट कर देते हो तो वो हमारा डेटा परमानेंटली डिलीट नहीं होता, कहाँ पर चला जाता है? रिसाइकल बिन में, है ना। तो इसका काम क्या है? नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना। जब आप कोई काम करते हो और डिलीट कर देते हो तो वो क्या करता है? रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है, और अगर आपको इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत लगी तो आप रिसाइकल बिन में जाकर उसको स्टोर कर सकते हो। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है HTTP का पूर्ण रूप? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब विंडोज XP को विंडोज 7 में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपग्रेड। क्या कहा जाता है? अपग्रेड। वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? URL। जब आप टाइप करते हो कोई भी वेबसाइट तो उसका एड्रेस होता है और उसको क्या कहा जाता है? URL। हमारा 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? तो किस शॉर्टकट की का? आप डायरेक्टली कहाँ से बंद करते हो? सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे वहाँ पर शटडाउन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे वैसे होगा, लेकिन हम डायरेक्ट एल्ट प्लस F4 को एक साथ प्रेस करने पर भी हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं? शटडाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे कहते क्या कहते हैं? तो आपने वायरस का नाम तो सुना ही होगा, जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो ये हमारे डेटा को भी क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक तरीके का ये क्या है? मलवेयर। मलवेयर भी क्या है? एक मलवेयर भी क्या है? एक वायरस है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है, फाइल और डेटा को डिलीट भी कर सकता है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। 13 क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? सिद्धार्थ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो .jpg में होगी तो .jpg में होगी, अगर डॉक्यूमेंट्स में होगी या फिर टेक्स्ट में होगी तो .txt टेक्स्ट में होगी, HTML में होगी तो .html। तो MS Word का भी एक्सटेंशन होता है, वो होता है .doc .docx। अब कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? URL। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है? यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बोस भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ
क्या करता है, बदलता है। तो वो कौन बदलता है? कंपाइलर। पहले हमारे जो लैंग्वेज होती थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे हम कंप्यूटर में? मशीन लेवल लैंग्वेज का। लेकिन आज हम जो यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TCP/IP का पूरा नाम क्या है? तो TCP/IP का पूरा नाम है, TCP का नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सॉरी, HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक तो HTML क्या है? एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका हम यूज वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।